अस्सलामुअलैकुम, दी ग्रैनी चैनल की तरफ से फरहत का सलाम। आए आज हम आपके लिए स्पेशल मूंग का हलवा बनाने जा रहे हैं। तो तकरीबन मूंगी की दाल, जिसे आम बच्चियां जो हैं कई बार नहीं जानती तो वो पीली दाल कहती हैं, तो ये है तकरीबन, ये देख लें, ये वाला कप साइज़ 1.25 के करीब। और फिर हमने उसको कम अज़ कम 5 घंटे के लिए भुगोना है। तो 5 घंटे भुगोने के बाद कुछ यूँ शक्ल है। अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी। ग्राइंड करते वक्त यानी ब्लेंडर में आप करिए, ब्लेंडर में जब आप इसको करेंगे तो कई बार ये नहीं चलती, तो आप सिर्फ 2-2 टेबलस्पून करके पानी डालें, क्योंकि बहुत पतला नहीं करना वरना भूनते वक्त ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये हमने दाल मूंग जो मैंने ग्राइंड कर ली है, इसी कंसिस्टेंसी की रखिएगा। अच्छा, जो प्याली आप दाल के लिए यूज़ करेंगे उसी प्याली के साथ आप चीनी मैयर करेंगे। अब चीनी आप अगर तो कोई ज़्यादा पसंद करता है मीठा तो वो फिर थोड़ी ज़्यादा ले सकता है, लेकिन इतनी चीनी काफ़ी है इतनी दाल के लिए। फिर एक प्याली देसी घी में ये अच्छा बनता है, तेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर मैं करती हूँ कि अगर जायका अच्छा लेना है और सर्दियों में यूज़ करना है तो ये इस्तेमाल करें। फिर नट्स हैं आपकी मर्ज़ी के, मेरे पास काजू और बादाम थे तो मैंने ये लिए हैं थोड़े थोड़े, अगर पिस्ता हो तो वो भी शामिल कर सकते हैं। इसके अंदर हम एक भरी हुई टेबलस्पून जो है वो सूजी का डालेंगे और 1 ही टेबलस्पून भरा हुआ बेसन का। ये इसलिए डाला जाता है कि फिर जो दाल है वो पैन के अंदर चिपकती नहीं है, वरना ये दाल क्योंकि इस तरह की होती है बहुत ही मुलायम तो नीचे जुड़ने लगती है, तो इसको पहले हम यूज़ करें। अब हम घी पैन में डाल रहे हैं, घी हमारा गर्म हो गया, मैं इसके अंदर सूजी डाल रही हूँ, साथ ही मैं बेसन डाल दूँगी। अच्छा, ये हम लो मीडियम से लो की तरफ है मेरा फ्लेम, इसे भी हम आहिस्ता आहिस्ता भूनेंगे। मीन वाइल जब तक ये भून रहा है हम ऊपर चाश रख देंगे इसकी बनने के लिए। चाश क्या होती है? चाश होती है जो चीनी हम पानी के अंदर पकाते हैं उसको चाश कहते हैं। ये मेरी बेटी है जो क्वेश्चन करती है और मैं चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन करे ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता सीख भी ले और फिर अच्छे कुक बन जाए। चीनी से शरबत नहीं किया जिसको चाश के लिए? नहीं, शरबत तो ये पीते हैं ना, पकाते नहीं हैं, शरबत पकाते नहीं हैं उस तरह चीनी का, जबकि चाश जो है वो आमतौर पर मीठों में पड़ती है, जो कि पका के डाली जाए तो वो कई डिशेज में ज़्यादा अच्छा उसका टेस्ट आता है। चले हम चाश बनाते हैं। उसी प्याले को भरते हुए पूरा भर के 1 कप पानी और उसके अंदर अपनी चीनी डाल देंगे और इसको इतना पकाएंगे कि चीनी इसके अंदर हल हो जाए। अपनी इलायची, मैंने 4 इलायची ली हैं, उसको तोड़ के इसके अंदर डाल दें ताकि वो इसके अंदर खुशबू आ जाएगी, और बाद में अगर किसी का दिल ना हो कि उसके मुंह में आए तो इलायची को शीरे में से निकाल दें। पाउडर भी तो डाल सकते होंगे? बिल्कुल, पाउडर भी बना के आप डाल सकते हैं। मेरे पास इस वक्त था नहीं इसलिए मैंने यही डाल दी, लेकिन कूट के भी डाल सकते हैं, बहुत सारी शक्लें हैं इसकी। इनको साथ साथ चलाते रहना है क्योंकि एकदम इसकी जब इसका वो कलर आना शुरू हो गया तो फिर ये जल भी सकता है। इसको हमने लाइट सा थोड़ा लाइट वैसे इसका चेंज हो गया कलर, तो अब हम इसके अंदर अपनी जो ग्राइंड शुदा दाल है वो डालते हैं। शुरू में इसको अच्छी तरह घुमाएं ताकि इसकी लम्स ना पड़े, फिर गुठली बनेगी तो ज़रा मुश्किल हो जाता है, फिर ज़्यादा विस्क करना पड़ेगा आपको। अच्छा, इसका मैंने प्याली में 1 चम्मच के करीब, मैंने कहा था कि देखती हूँ मैं घी, लेकिन अब डाल ही लें क्योंकि ज़रूरत होगी इसके लिए। अच्छा, ये जब हम भूनेंगे तो हम बीच में अगर महसूस करें कि हमें घी थोड़ा चाहिए तो 1 आध चम्मच आप और ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। चाश है वो तकरीबन बन चुकी है, थोड़ी सी चीनी बस रहती है। अब ये चीनी हल हो जाएगी तो सिर्फ 1 मिनट के लिए और इसको उबालिएगा और फिर इसको बंद करके एक साइड पर कर दीजिए। अब ये मुसलसल हम चलाएंगे और तकरीबन इसमें 15 मिनट के करीब ज़रूर लगेंगे। अब देखिएगा कि चीनी तकरीबन हल हो चुकी है, बस हम इसे उतारने लगे। फ्लेम मैं बंद कर रही हूँ और इसको इसके ऊपर बस जब तक ये पकता रहेगा, वरना फ्लेम बंद कर दिया। ये देखिएगा भूनते हुए में इसकी बड़ी स्टेजेस आएंगी, कभी ये थोड़ा बबली हो जाएगा, तो ये आहिस्ता आहिस्ता, बस इसमें थोड़ा सब्र की ज़रूरत है कि बच्चियों में जो मैं अपनी बेटी को, ये मेरे साथ मेरी छोटी बेटी है,
राबिया, इसके अंदर भी बड़ी जल्दी है कि बस जल्दी से डिश तैयार हो जाए और फिर जायका लेकिन अच्छा होना चाहिए। लेकिन देखें जायका उस वक्त आता है जब आप थोड़ी सी टाइम की कुर्बानी देते हैं और थोड़ी मेहनत करते हैं, इसीलिए मेहनत वाली डिशेस आपको बनानी चाहिए। नहीं तो आप भी तो अपनी बच्चे की अम्मी कल को बने, जब बड़ा बच्चा हो जाएगा आपका, माशाल्लाह इसका बच्चा है छोटा रुस्तम, आपने देखा होगा मेरे साथ, अब वो तकरीबन 3 साल का होने वाला है, तो माशाल्लाह वो है भी बड़ा फूडी लवर और तो उसे बड़ा पसंद है मीठा भी फीका भी। हलवे की तरफ अभी नहीं वो वैसे आया लेकिन आएगा, चॉकलेट्स का बड़ा है शौकीन और डोनट्स का, इस तरह की चीज़ों का बड़ा शौकीन है। तो अब राबिया को चाहिए कि वो हर चीज़ सीखे ताकि बच्चे के लिए ही कम अज़ कम। अमीन भाई जब तक ये भुन रहा है साथ में मैं जो नट्स हैं उनको मोटा मोटा ग्राइंड कर लूँगी। अब तकरीबन मुझे भूनते हुए से 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। नहीं इस तरह का तो साथ साथ होगा लेकिन आप उसको साथ साथ फिर इस तरह स्क्रैच करके करते जाएँ तो ये साथ साथ यही मेहनत है ना, और इसमें आपका मेहनत है। नॉन स्टिक से नहीं बना सकते? नॉन स्टिक से भी कर सकते हैं। हाँ ये है कि वहाँ ज़रा ईजी हो जाएगा लेकिन आपने इसको मुसलसल चलाना है। अब मैंने थोड़ी सी हीट जो है ना ब्लो से थोड़ी सी ऊपर की है ताकि इसका मेरा कलर आए। बाहर मैं ये दिखाना चाह रही थी कि ये जो चीज़ें हैं ये देखिए साथ साथ वो फिर बन जाती है, ज़ाहिर है कि वो भुनता है तो साथ में दाल की वजह से चिपकने लगता है, लेकिन आपने उसमें परेशानी के लिए ज़रूर आप उसको ज़रा सख्ती से चलाएंगी तो वो साथ साथ होता जाएगा। बल्कि अच्छा है अगर कोई नया बनाने वाला है तो उसको नॉन स्टिक पैन ले ताकि उसको आसानी से चलाया जा सके। आपने जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो आप कर सकते हैं। मैंने इसे आप अच्छा अगर आप वैसे खाना चाह रहे हैं ना कि अगर किसी के घर में आपको पता है कि आपने कतली नहीं जमानी तो फिर आप इसको इस तरह करना कूटें जिस तरह कि मैंने तो इसको ग्राइंड कर दिया क्योंकि मैंने इसकी कतलियाँ जमानी है। अब तो आप थोड़ा मोटा मोटा चॉप करें और फिर वो डालें तो वो उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है फिर खाते हुए चम्मच के साथ। अब हमें तकरीबन 2-3 मिनट और हो गए हैं भूनते हुए। अब देखिएगा कि वो जो बन रही थी ना नीचे लगने वाली कंडीशन, वो जो साथ साथ एक लेयर सी बनती जा रही थी लगता था कि जल ना जाए, अब वो हट गई है, इसका मतलब ये भुनने की तरफ आ गया है। अब आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा ऑयल फील हो रहा है वरना ये बिल्कुल खुश्क हमें फील हो रहा था, तो ये तैयारी की तरफ है, ये एक निशानी है कि आपका हलवा जो है वो तैयार होने वाला है यानी भुन गया ऐसे ही। इसको हम मतलब आप इसके भुनने का जो टाइम है ना वो 15 से 20-25 मिनट के दरमियान में रखें क्योंकि डिपेंड करता है कि आप आँच कितनी रखी हुई है आपने। आज उसके बाद जब मैंने आपसे बताया था कि आँच मैंने तो इसी आँच पे मैं उस वक्त से कर रही हूँ, तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने आँच की थी ना उसके बाद, तो हम इसी आँच पे अब रखेंगे और इसका कलर आने तक जब थोड़ा इसका कलर चेंज होगा तो हम इसमें चाहिए। तकरीबन 4 मिनट के करीब टाइम हो गया मुझे भूनते हुए उसी फ्लेम के ऊपर। अब मैं इसको एक साइड पर रखते हुए अब ये देखिएगा खुशबू भी इस वक्त बड़ी अच्छी आ रही है और इसका कलर चेंज हो गया है, तो अब हम इससे पहले कि ये बहुत डार्क हो जाए तो मैं इसके अंदर चाशनी डालने लगी हूँ, चूल्हे से इसलिए दूर किया ताकि ये थोड़ा उबे ना ज़्यादा। है मुझे इसकी खुशबू से ना वो पंजीरी याद आ गई जो आपने रिश्तों के टाइम से बनाई थी। हाँ पंजीरी तो खैर वैसे भी बड़ी अच्छी है खाने के लिए। चले हम ये आइंदा आपके लिए पंजीरी भी ला रहे हैं और इंशाल्लाह सर्दियों के लिहाज से जो जो चीज़ें बन सकती होंगी जो हमें आती हैं वो हम ज़रूर शेयर करेंगे। नहीं कोई एक आधी विंटर स्पेशल बता देना ताकि लोगों को अगर देखनी है। चलें इंशाल्लाह ज़रूर चलें जी। एक तो ये पंजीरी होगी राबे की फरमाइश पे और दूसरा मैं सोच रही थी कि हम आटे की पिनियाँ और चावल की पिनियाँ, ये हमारे बहुत जब हम छोटे थे तो हमारी दादियाँ नानियाँ बहुत बनाती थी और फिर सर्दियों में वो होता है कि वो जार में पड़ी होती हैं जब भी आपका दिल चाहा बच्चे का वो हाथ में ले लिया, और ड्राई फ्रूट्स ज़ाहिर है उसके अंदर बहुत सारे होते हैं तो वो बड़े ही शौक से बच्चे खाते हैं। जार तो मैं ऑफिस ले जाऊँगी। ओके इसका मतलब आप मुझे हुक्म दे रही हैं ऑर्डर कर रही हैं कि मैं 3-4 जार तो बनाऊँगा लाजमी। मैं जाके बताऊँगी ना ये ग्रैनीज चैनल्स से मुझे मिली। चलें जी ये भी ठीक है ज़रूर इंशाल्लाह। तो पंजीरी और पिनियाँ 2-3 किस्मों की वो हम लाइन में लेके आएंगे इंशाल्लाह। सर्दियों में साथ साथ दूसरी डिशेस का भी होगा। ये तो वाकई में अमेजिंग लग रहा है। अब हम इसको कम से कम 5-7 मिनट तक भूनेंगे और भूनने अभी ताकि ये चाशनी का भी थोड़ा सा बीच में अच्छी तरह हो जाए इन्फ्यूज़, इसका जायका भी और पक जाए थोड़ी सी। अच्छा अगर चीनी चखो राबिया। बिल्कुल ठीक है चलो सही है। अच्छा इस स्टेज पे अगर बिल्कुल बंदा सोचता है कि नहीं जी चीनी हमारे मुताबिक तो बहुत ही कम लग रही है हमें,
तो आप फौरी से चीनी को बिल्कुल या तो आप ग्राइंड करके इसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके डालें और फटाफट भूनते जाएं, या फिर आप फटाफट चाशनी ऊपर एक साइड पे इसको करें और चाशनी फटाफट तैयार करके उसका शीरा और बीच में डाल दें, तो इसमें देर नहीं लगती, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि जी अब क्या होगा। अब हम साथ ही इसके ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। अच्छा, वैसे ये ड्राई फ्रूट्स के बगैर भी काफ़ी मज़ेदार है। मतलब अगर ना हो तो फिर ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप इसका इंतज़ार करेंगे, आप उसका भी बना सकते हैं, लेकिन इससे जो है कि रिच हो जाता है, बच्चे खाएंगे तो चले फ़ायदा है। और इसके साथ जो भी एडिशन करना चाहें आप कर सकते हैं। अखरोट का मैंने कभी अखरोट डाले नहीं है, इसलिए मुझे उसका तकरीबन अच्छा नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट कैसा वो करेगा, लेकिन पिस्ता बड़ा अच्छा लगता है, पिस्ता डाल सकते हैं। या जैसे राबे कह रही थी किशमिश, आई थिंक किशमिश भी अच्छी लगेगी मुँह में, अगर वो बंदा सोचे ना तो वो उसका एक जायका खाने लगता है, तो वो ठीक लग रहा है। अब ये बिल्कुल तैयार है, मैंने चखा है, इसका जायका बिल्कुल ठीक है। तो हम इसको डिश में निकालते हैं। मुझे ना एक शेर आ रहा है। अच्छा, माँ ने बनाया हलवा, अच्छा खाया अपना जलवा, गरम गरम मैं खाऊंगी, अपनी सेहत बनाऊंगी, मुन्ने को भी खिलाऊंगी, रुस्तम को भी खिलाऊंगी, रुस्तम के अब्बा को भी दूंगी, सेहत में बनाऊंगी, दुनिया देखेगी, ओके सेहत, और मूंगी का हलवा खाएगी, मूंगी की दाल का हलवा खा के कुछ शायरी जाग रही है सबे के अंदर, शायरा बनने का कुछ अमकान नजर आ रहा है मुझे खानों के बारे में। चलिए इसको अच्छी तरह हम सेट करेंगे, और जब ये सेट हो जाएगा तो फिर हम ठंडा भी हो जाएगा तो फिर हम इसके वो काट लेंगे कतलियों में या जिस तरह भी आप चाहें। इंशाल्लाह आप सबको पसंद आएगा, ये बेहतरीन है सर्दियों की सौगात, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर ज़रूर हमें बताएं कि आपको पसंद आया कि नहीं। आसान है, सिर्फ ये है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। चलें, खुदा हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।